हेलो बच्चों, आज हम सिक्स्थ क्वेश्चन करने वाले हैं। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, ए वायर इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। एक वायर दे रखा है, वो किसकी शेप में है? जैसे कि एक वायर है, वो किसकी शेप में है? रेक्टेंगल की शेप में, ऐसे बेंट कर रखा वो, ठीक है। इफ द लेंथ इज 40 सेंटीमीटर, तो रेक्टेंगल की लेंथ कितनी दे रखी है? 40 सेंटीमीटर। एंड इट्स ब्रेथ इज 22 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितनी दे रखी है इसकी? 22 सेंटीमीटर, ये इसकी ब्रेथ है। इफ द सेम वायर इज बेंट इन द शेप ऑफ स्क्वायर, तो स्टार्टिंग में एक वायर था, वो रेक्टेंगल में बेंट कर रखा है, ठीक है। तो सेम का सेम वायर, यही वायर किस में बेंट कर दिया? एक स्क्वायर में बेंट कर दिया, तो ये एक स्क्वायर बन गया। हमारे पास ये एक स्क्वायर आ गया इन द शेप ऑफ स्क्वायर। व्हाट विल बी द मेजर ऑफ इट्स ईस्ट साइड? स्क्वायर की हमको क्या फाइंड करनी है? इसकी साइड फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट में तो ये कर रखा है। आल्सो फाइंड विच शेप इनक्लोज मोर एरिया, और सेकंड पार्ट में हमको क्या रखा कि रेक्टेंगल वाला या फिर स्क्वायर वाला, कौन सा पार्ट है, मतलब कौन सी शेप है उसका, किसका ज्यादा एरिया होगा, ठीक है। ये फाइंड हमको करना है सेकंड पार्ट में। तो ये है स्क्वायर और ये है रेक्टेंगल। इतना समझ में आ गया आपको? तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज, लेंथ कितनी है इसकी? 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 22 सेंटीमीटर दे रखी है ब्रेथ इसकी। तो स्टार्टिंग में हम इसका एरिया फाइंड आउट करने वाले हैं, तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज, एरिया का क्या फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का, हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, तो क्या होता है? लेंथ इनटू में उसकी ब्रेथ। लेंथ है 40 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 22 सेंटीमीटर। आंसर कितना आ गया हमारे पास? 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये इसका एरिया आ गया। तो एक बात है, ये एक वायर था, तो स्टार्टिंग में तो एक ये रेक्टेंगल था, जैसे कि एक रेक्टेंगल है, और फिर हमको हमने किस में बेंड कर दिया? ये एक स्क्वायर में। तो रेक्टेंगल इसका पेरीमीटर और स्क्वायर का पेरीमीटर सेम ही रहेगा, क्योंकि वायर की लेंथ तो सेम ही है। जैसे कि पहले तो हमने इतनी लेंथ के वायर से हमने क्या बनाया था? एक रेक्टेंगल बनाया था, ठीक है। और फिर इसी लेंथ की वायर से हमने क्या बना दिया? स्क्वायर बना दिया। ये बात क्वेश्चन में क्यों बनना है? तो इनका पेरीमीटर क्या होता है? जो ये वाली इसकी आउटर बाउंड्री, ये इसका पेरीमीटर होता है, और ये वाली इसका पेरीमीटर होता है। स्क्वायर का पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है? 4 इंटू में उसकी साइड। और रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का? 2 इंटू में, 2 इंटू मतलब ये भी इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है, ये भी इसकी ब्रेथ है, ठीक है। ये इसकी लेंथ होगी, ये इसकी ब्रेथ होगी, तो मतलब 2 इंटू में लेंथ प्लस में उसकी ब्रेथ। दो लेंथ है इसलिए 2 आ गया, और दो ब्रेथ इसलिए स्टार्टिंग में 2 आ गया, तो हमने 2 को मान लिया। ये फॉर्मूला इसका पेरीमीटर का, रेक्टेंगल का, ये स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला है। तो अब हम क्या फाइंड आउट करने वाले? इसका पेरीमीटर, तो क्या लिखेंगे? नाउ पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज, पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है? 2 इंटू में लेंथ प्लस में ब्रेथ, 2 इंटू में लेंथ प्लस में ब्रेथ,
तो क्या आ गया 62, आंसर हमारे पास आ गया 4, 12, ये इसका पेरीमीटर आ गया रेक्टेंगल का। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर किसके बराबर है, इसका स्क्वायर का पेरीमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का पेरीमीटर का कितना फॉर्मूला होता है, 4 इंटू में उसकी साइड ए लिख लेते हैं, और रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला कितना आ गया हमारा पेरीमीटर 124 सेंटीमीटर। तो कैंसिल आउट करेंगे स्क्वायर की, हमारे पास कितनी आ गई साइड 30/2, ये स्क्वायर की साइड आ गई। हमें पता है स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती हैं, इसलिए इसकी साइड कितनी आ गई हमारे पास 21 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे, सो साइड ऑफ द स्क्वायर इज कितनी आ गई स्क्वायर की साइड 31 सेंटीमीटर। तुम्हारे फर्स्ट पार्ट में ये क्या रखा था, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की सभी साइड तो बराबर होती हैं, इसलिए एक साइड हमारे पास तो 31 सेंटीमीटर आ गई, तो सभी की सभी साइड 31 31 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया आपका। तो सेकंड पार्ट हम करते हैं, आल्सो फाइंड विच शेप इनक्लोज मोर एरिया। हमने रेक्टेंगुलर पर मतलब रेक्टेंगल का एरिया तो हमने फाइंड आउट कर लिया, कितना है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्क्वायर का एरिया और फाइंड आउट करते हैं, तो क्या लिखेंगे, नाउ एरिया ऑफ द स्क्वायर इज, एरिया का क्या फॉर्मूला था स्क्वायर का, साइड का स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, साइड का स्क्वायर मतलब 31 का स्क्वायर। आंसर कितना आ गया मल्टीप्लाई करने पर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट किया था, ये हमने स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट कर लिया, तो हमने को क्या इसके कंक्लूजन मिला, तो क्या लिखेंगे, ये क्वेश्चन हमारी फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड टू, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एरिया ऑफ स्क्वायर स्क्वायर मोर देन रेक्टेंगल। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था। इसमें क्या पूछ रखा था, शेप, शेप मतलब स्क्वायर, इसका एरिया किससे ज्यादा है, रेक्टेंगल के एरिया से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, इसका 961 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो फर्क तो आपको पता ही लग गया, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू। अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।